शारदीय अश्विन नवरात्र अष्टमी दीपा दोपहर से शुरू। भक्तों के लिए विशेष फल आहार का लंगर। शुक्रवार को कन्या पूजन के साथ महागौरी की होगी पूजा अर्चना। जय माता की। सभी को शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत बधाइयां। नवरात्रि का मतलब होता है कि जो पूजन रात्रि में चले, तो आज जो है 12:30 से जो अष्टमी शुरू हो रही है और ये पूरी रात व्यापनी होगी और अगले दिन सुबह 12:30 तक रहेगी। इससे हमारे तो इस सबसे हमें इस बात का उत्तर मिल रहा है कि रात व्यापनी अर्थात जो रात्रि में गिनी जाएगी वो अष्टमी होगी। तो इसलिए आज हमारा जो मंदिर अष्टमी के ऊपर निमित्त जो है आज खुला रहेगा। रात को अष्टमी का पूजन 12:30 से लोग जो है करना शुरू करने वाले हैं। माता जी को हलवे को पूरी को भोग लगाकर अपने व्रत का जो प्रारण करेंगे। जिन्होंने कन्या पूजन करना है वो कल 12:30 से पहले कन्या पूजन करके अपने अष्टमी के व्रत का प्रारण कर सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपाणी दुर्गा क्षमा सेवा धात्री स्वाहा सुदान स्तुते। मैं सभी भक्तों को यही आशीर्वाद दूंगा महामाई की तरफ से कि महामाई उनको जो उन्होंने नवरात्रों में व्रत रखे उसका उनको पूर्ण फल प्रदान करे और ये नवरात्र उनके लिए मंगलमय हो। जय माता की। बोल सच्चे दरबार। छठे नवरात्र तक शक्तिपीठ ज्वालामुखी में श्रद्धालुओं द्वारा 40 लाख रुपए से अधिक की राशि माता के चरणों में अर्पित की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि भोजन, इसके अतिरिक्त स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्रद्धालुओं को पंक्तिबद्ध करवाकर दर्शन करवाए जा रहे हैं। पुलिस कर्मी अपनी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। जय माता। व्रत वालों के लिए हमारे जो प्राइवेट निजी संस्था द्वारा लंगर लगाया गया है उसमें फलाहार की व्यवस्था की गई है। फलाहार जो है वो तीनों समय उपलब्ध हो रहा है। चाय की भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए मंदिर प्रशासन प्रयासरत है कि फलाहारी श्रद्धालुओं को भी फलाहार लेने में कोई असुविधा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, कांगड़ा।